नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम नर्सिज सॉन्ग। दोस्तों, पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है नर्सिज सॉन्ग। यह पोयम नर्स और बच्चों के एक समूह के बीच में है जो पहाड़ी पर खेल रहे थे। इस पोयम को विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में 1789 में पब्लिश किया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोयम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 16 लाइन्स हैं जिन्हें 2 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोएम की राइम स्कीम है ABCBDEFE। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। When voices of the children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everything else is still। इन लाइनों में वह नर्स कहती है, जब वे बच्चे उस मैदान में खेल रहे थे और हंस रहे थे, कि जब हरे मैदान में खेलते हुए उन बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और उस पहाड़ी पर उनके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मेरा दिल मेरे सीने में शांत बैठ जाता है और जो मेरे आसपास की चीज़ें हैं वो मानो थम सी जाती हैं और मुझे सुकून महसूस होता है, क्योंकि इन बच्चों की आवाज़ बहुत मधुर है और इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। देन कम होम माई चिल्ड्रन, द सन इज गोन डाउन एंड द ड्यूज ऑफ नाइट राइज, कम कम लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काइज। इन लाइनों में वह नर्स बच्चों से कहती है कि बच्चों चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि सूर्य डूब चुका है और अब अंधेरा होने वाला है और जो रात के समय हरी हरी घास है उन पर ओस की बूंदें आ जाती हैं, वो भी अब चमकने लगी हैं। और बच्चों से वह नर्स कहती है कि चलो चलो अब खेलना बंद करो और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तब तक यहाँ से चलना चाहिए जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। नो नो लेट अस प्ले फॉर इट इज यट डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, बिसाइड्स इन द स्काई द लिटल बर्ड्स फ्लाई एंड द हिल्स आर ऑल कवर्ड विद शीप। इन लाइनों में वो बच्चे नर्स से कहते हैं कि नहीं नहीं हमें खेलने दीजिए, अभी तो दिन ही है, रात नहीं हुई है और इसलिए हम अभी घर जाकर सोएंगे भी नहीं, और अभी तक जो आसमान में पक्षी भी उड़ रहे हैं और जो पहाड़ियाँ हैं उन पर भी अभी तक भेड़ घूम रही है या वो पहाड़ियाँ भेड़ों से भरी हुई है, अभी तो खेलने के लिए काफ़ी समय है, क्योंकि पशु पक्षी रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अभी तक तो ये ही बाहर घूम रहे हैं, तो हमारा खेलने का समय कैसे पूरा हो गया है, क्योंकि अभी तक तो रात भी नहीं हुई है। वेल वेल गो एंड प्ले टिल द लाइट फेड्स अवे एंड देन गो होम टू बेड, द लिटल वंस स्लीप्ड एंड शाउटेड एंड लाफ्ड एंड ऑल द हिल्स एकोड। इन लाइनों में वह नर्स बच्चों से कहती है कि ठीक है जाओ खेल लो, तब तक जब तक जो सूर्य के छिपने के बाद थोड़ी देर तक जो रोशनी रहती है वह रात में न बदल जाए, और फिर अंधेरे होते ही अपने अपने घर पर जाकर अपने अपने बेड पर सो जाना। इसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे कूदते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं, और उनके चिल्लाने की आवाज़ उस पहाड़ी पर गूंजती है जो कि उस पहाड़ी पर एक खुशी का माहौल बना देती है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।